हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आपको अनअकैडमी में एसएससी कैटेगरी में जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ। और दोस्तों, जो आज का सेशन है यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी कि जो अफ्रीका की सींग है उसमें कितने देश है, उनको थ्रू ट्रिक और थ्रू मैप कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों लोग बात करेंगे जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा का मरुस्थल है, उसमें भी जितने भी देश है दोस्तों, हम लोग उसको थ्रू ट्रिक और थ्रू मैप कवर करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये मेरा कोड है NG10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, जो कि होता है दोस्तों 10%। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें तो अनअकैडमी आपको दोस्तों एवरी संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड करता है, जहां पर दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप है। और इस टेस्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं SSC Combat। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, एवरी संडे होता है ये और इसकी टाइमिंग होती है 12 PM। तो यहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इस टेस्ट को दोस्तों आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से यूजिंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको SSC Combat का लिंक मिलेगा, खुद को एनरोल करिए और यूज करें दोस्तों इनवाइट कोड ANG10। अगर आप टॉप 3 में दोस्तों आते हो तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रैंक 4 to 10 लोगे तो 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 to 50 लोगे तो 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 51 से 500 लोगे तो 25% की। रैंक 501 से 1000 लोगे तो 20% की दोस्तों आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों मैं बात करें अनअकैडमी प्लस के बारे में, तो 30+ बैचेस एवरी वीक आपको मिलते हैं, 300+ क्लासेस एवरी डे होती है, 70+ दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस वो भी आपको मिलेंगी और अपकमिंग क्लासेस भी दोस्तों आपको मिलेंगी। और बाद में दोस्तों क्लास होने के बाद आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जितनी बार चाहे उतनी बार भी देख सकते हो। हर एक लेक्चर का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। 20,000 से ज्यादा दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, मोर देन 20,000 क्वेश्चन। 90% से भी ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है, जितने भी SSC के एस्पिरेंट्स हैं। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो मैं आप लोग को एक फाउंडेशन जो बैच है वहां पर इस समय इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों जो इसका टाइमिंग होता है 4 PM। तो इस कैटेगरी में दोस्तों मैं बात करूं SSC कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर उन सभी के दोस्तों जो आप क्लासेस है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकते हो। और इसमें दोस्तों 1 ईयर की फी है 6500, यानी कि 542 रुपीज पर मंथ। और 2 ईयर की दोस्तों हम लोग बात करें तो 7800, यानी कि 325 रुपीज पर मंथ। पर दोस्तों हम लोग बात करें, ये भी आपको पे नहीं करना, यूज करो कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और 1 ईयर की फी हो जाएगी 5850 और 2 ईयर की दोस्तों हम लोग बात करें तो 7020। और आप दोस्तों इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज के साथ में एक साथ पढ़ सकते हो दोस्तों, जिनको भी आप जानते हो या फिर दोस्तों जिनको आप नहीं जानते हो उनको भी, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सारा डेजर्ट के जो देश है उनको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो मेडागास्कर नाम का एक देश है, जो कि इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे ओवरऑल दोस्तों जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा, वो ग्रीनलैंड है, वो खैर अलग टॉपिक है। फिलहाल हम लोग दोस्तों इंडियन ओशियन की बात करेंगे तो मेडागास्कर है। आगे दोस्तों चलते हैं। तो ये वाला जो शेप आप देख रहे हो दोस्तों अफ्रीका का, ये अफ्रीका का हॉर्न की जैसे आपको लगेगा, यानी कि हिंदी में बोलो दोस्तों सींग की जैसा लगेगा, है ना। और आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा जरा, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से फोकस करो इस पूरे रीजन को, तो ये ऐसा लग रहा है एक सींग है या फिर हॉर्न है, है ना। जैसे किसी दोस्तों लोग बात करें भैंस का बोल दो किसी का भी, तो उसी तरीके से अफ्रीका में ये शेप आपको देखने को मिलता है। कुछ भी अगर दोस्तों मैं बात करने की कोशिश करूं तो अब दोस्तों यहाँ पर आप और क्लियर होकर के देखो। देखो मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हम लोग दोस्तों इसको याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे जूम करने की कोशिश करूँ या फिर ना भी करूँ तो आप देखो यहाँ पर दोस्तों 4 कंट्री आती है। एक है आपका इरिट्रिया, एक है दोस्तों आपका इथोपिया, एक है दोस्तों आपका जिबौती और एक है दोस्तों सोमालिया। इनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और गाइस इनको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक है आपका सीड। तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबौती। और दोस्तों ये जो इतना सा जो छोटा सा आपको जिबौती दिख रहा है ना, चाइना यहाँ पर दोस्तों अपना नेवल बेस बना चुका है और इसको नेक्स्ट सिंगापुर भी कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि विकास भी यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस याद रखना, अफ्रीका की सींग में कितने देश है, 4, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबौती और सोमालिया। ट्रिक है आपका सीड। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार और आप देख सकते हो सेम चीज को। और याद रखना केन्या दोस्तों जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता, सिर्फ 4 कंट्री आते हैं सीड वाले, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबौती एंड सोमालिया। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका सहारा डेजर्ट, जो ये पूरा रीजन आप देख रहे हो। ये दोस्तों आपका कलाहारी डेजर्ट है, ये आपका नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, बट हम लोग फिलहाल वहां नहीं जा रहे, हम लोग पढ़ेंगे सहारा डेजर्ट।
और दोस्तों सहारा डेजर्ट आप जानते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल दोस्तों में बात करें तो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर बात करने की कोशिश करें इस वाले पॉइंट से, आप एक बार यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से दोस्तों एक नदी निकल रही है जो कि नील नदी कहलाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो नील नदी है, जो नील रिवर है, ये भी सहारा के डेजर्ट से होकर के जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। वही दोस्तों याद करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो सहारा के डेजर्ट है उसमें कितनी कंट्री है दोस्तों, तो ये याद रख सकते हो आप 11, है ना। यहाँ पर आपको वेस्टर्न सहारा देखने को मिलेगा, दोस्तों ऊपर मोरक्को देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बार इसको मैं दोबारा से आपको शो करता हूँ, देखिए ये वेस्टर्न सहारा है, यहाँ पे मोरक्को, यहाँ पे आपको मॉरिटानिया दिखेगा, अल्जीरिया जो कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ पर आपको माली देखने को मिलेगा, ये आपको नाइजर देखने को मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों बात करें तो लीबिया देखने को मिलेगा, ये ऊपर आपको ट्यूनिशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चैड देखने को मिलेगा, सूडान देखने को मिलेगा, और ये इजिप्ट देखने को मिलेगा। और इजिप्ट की जो कैपिटल है दोस्तों कायरो, ये देखो नील नदी के किनारे बसी हुई है। और याद रखना इजिप्ट को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, इस नाम से भी दोस्तों हम लोग बात करें तो जाना जाता है आपका इजिप्ट, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 11 देश है। अब हम लोग इसको यहाँ पर बहुत ही आराम से याद करेंगे, और उसके पहले दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पे बतानी है, देखिएगा, देखो जितने ही मैप आपको दिखा रहा हूँ ना ये सब इम्पोर्टेंट है। अब गाइस यहाँ पर आइए आप आगे और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों ये जो ऊपर है आपको ये पूरा सहारा डेजर्ट दिख रहा है आपको, सहारा का मरुस्थल, और जो नीचे दोस्तों ये है आपका सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट और सवाना घास के मैदान के बीच में जो ये वाला शेडेड पोर्शन है, ये वाला, ये इसको दोस्तों हम लोग साहेल रीजन बोलते हैं। ये ट्रांजिशन जोन है किसके बीच में, सहारा डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड के बीच में, सवाना घास के मैदान और सहारा डेजर्ट के बीच में दोस्तों अफ्रीका में कौन सा एरिया पाया जाता है, तो याद रखना उसको साहेल एरिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, तो प्लीज इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखें। यहाँ पे फिर से टिक कर देता हूँ दोस्तों, साहेल रीजन इसको बोलते हैं। अब आगे बढ़िए दोस्तों, ट्रिक हमारे पास क्या दिखेगा दोस्तों, ट्रिक हमारे पास मदन मोहन मालवी जी के हिसाब से, मदन मोहन मालवी जी ने कहा कि लो कॉस्ट नेटवर्क जो है वो है वेस्ट। मदन मोहन मालवी जी ने कहा लो कॉस्ट नेटवर्क वेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को याद कर लोगे अपने आप आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ट्रिपल एम मतलब कि मदन मोहन मालवी, एक एम से दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या याद कर लो, माली, दूसरे एम से आप मोरिटानिया याद कर लो, तीसरे एम से दोस्तों आप मोरक्को याद कर लो, टेन दोस्तों लो कॉस्ट नेटवर्क यानी कि दोस्तों एल से हो जाएगा आपका यहाँ पे लीबिया, सी से हो जाएगा दोस्तों आपका चैड, एन से दोस्तों आपका हो जाएगा नाइजर, देन दोस्तों वेस्ट तो डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट अफ्रीका, ए से दोस्तों आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अल्जीरिया हो जाएगा, देन एस से दोस्तों आपका हो जाएगा सूडान, ठीक है, देन दोस्तों बात करने की कोशिश करें टी से हो जाएगा आपका ट्यूनिशिया, और ई से हो जाएगा दोस्तों इजिप्ट। तो 11 के 11 देश है दोस्तों जो मैंने आपको वहां पर बताया थे और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर से बताऊं दोस्तों, ये वेस्टर्न सहारा, यहाँ पर आपको मोरक्को, देन मोरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, ट्यूनिशिया, लीबिया, चैड, सूडान और इजिप्ट। तो दोस्तों आई होप ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। मदन मोहन मालवी जी के हिसाब से लो कॉस्ट नेटवर्क वेस्ट है, ये इतनी सी हमारी ट्रिक है। और दोस्तों आप मेरे लेक्चर्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं अनुराग सर अनअकैडमी टेलीग्राम में, और यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएगी। और आप सभी बच्चे दोस्तों मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें, और मेरी जो प्रोफाइल के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, और आप दोस्तों अनअकैडमी की क्वालिटी कोर्सेस अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड NG10। आपको सारी कैटेगरी में दोस्तों इंस्टेंट 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो आपकी बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई सी भी कैटेगरी हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी की किसी भी यूट्यूब कंटेंट में या फिर दोस्तों मैं बात करूँ आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिले किसी भी वीडियो में, तो दोस्तों आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको रिपोर्ट करने का लिंक भी देखने को मिलेगा, और आपके पास दोस्तों प्राइज भी जीतने का मौका है। तो दोस्तों सेशन को एक बार जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।